नमस्कार, ये है सूजस आवाज राजस्थान। मंगलवार 30 अगस्त 2022। राज्य में वन महोत्सव का आगाज और गांव धाणियों में है खेलों का रोमांच, और वहीं रिमझिम बारिश के बीच गणेश चतुर्थी की तैयारियां। दिन भर की इन खबरों के साथ मेधा और सालेहा। पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग आज पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। जोधपुर में 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बच्चों को बचपन से ही पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा दी जानी चाहिए। इस अवसर पर कैलाश सांखला स्मृति वन में उन्होंने लवकुश वाटिका और बॉटनिकल गार्डन की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री ने वन महोत्सव के तहत लगाई गई स्टॉल को भी देखा और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा कर उत्पादों की जानकारी ली। 4000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया है। आप सोच सकते हो इतना महत्व पेड़ों को लगाने का सरकार दे रही है, स्वयं भी दे रही है। और मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि इसमें कोई साधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि सरकार का कुछ का कमिटमेंट है। इसलिए हम सबका संकल्प होना चाहिए कि हम कैसे वनों की रक्षा करें, वृक्षारोपण करते जाएं, पेड़ लगाते जाएं। राजस्थान में हेरिटेज की कोई कमी नहीं रही है, राजस्थान में प्रकृति की कमी नहीं है, वन जीवियों की कमी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान में जितना हम लोग टूरिस्ट लाएंगे उतना राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजस्थान आज चिकित्सा बीमा के क्षेत्र में मॉडल स्टेट है। प्रधानमंत्री को इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। राजस्थान सरकार का पिछला बजट किसानों को समर्पित था, तो अगला बजट युवाओं को समर्पित होगा। हम तो मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी कि आप पूरे देश में लागू करो रास्ता मॉडल को। एक इंसान जो है तकलीफ पाता है बीमारी के वक्त में, 1-2 लाख, 5 लाख मामूली बात है। आजकल प्राइवेट रहेगा तो वो फ्री हो जाएगा इलाज, बहुत बड़ा काम है। पर हर राज्य सरकारों को धीरे धीरे करना पड़ेगा। किसानों का अलग बजट पेश हो, पूरी प्रायोरिटी उनको मिले। इस बार मैंने कहा अगला बजट जो होगा वो युवाओं को छात्र केंद्रित करके बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने जोधपुर के श्री सुमेर शिक्षण संस्थान के स्थापना दिवस समारोह में भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रतिभावान विद्यार्थियों और भामाशाहों का अभिनंदन भी किया। मुख्यमंत्री ने जोधपुर मेडिकल कॉलेज में 35 नए पद बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर मेडिकल कॉलेजों में फिंगरप्रिंट लैब बनाने के लिए 23 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि इससे राजस्थान में गंभीर आपराधिक मामलों का जल्द निपटारा करने में मदद मिलेगी। पशुओं में फैली लंपी स्किन डिजीज से निपटने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। प्रभारी मंत्री भी अपने अपने जिलों में सक्रिय हैं। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भरतपुर के डीग में आज जन सुनवाई की। उन्होंने सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, चंबल परियोजना और अतिक्रमण जैसी समस्याएं लोगों से सुनी। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सरकार की बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं और जन कल्याण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान के तहत आज प्रदेश में शक्ति दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न जिलों के चिकित्सा संस्थान और आंगनवाड़ी केंद्रों पर महिलाओं और बच्चों को आयरन की गोलियां दी गयी। गणेश चतुर्थी का पर्व कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश भर के गणेश मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होगी और कई जगह मेलों का आयोजन होगा। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने सभी को गणेश चतुर्थी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उत्साह देखते ही बन रहा है। गांव और पंचायतों की टीमों में कहीं दादा का सामना पोते से है तो कहीं सास बहू आमने सामने है। मनरेगा में काम करने वाले कई अधेड़ ऐसे हैं जिन्होंने बरसों बाद बल्ला थामा है तो कोई पहली बार मैदान में उतरने के रोमांच से लबरेज है। गाँव की चौपाल पर लोग सारे मतभेद भुला कर अब खेलों की बात कर रहे हैं। एक अलग ही नजारा है। और इधर राजस्थान सरकार भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राजस्थान में तेज बारिश का दौर फिलहाल थमा है, लेकिन कई जगह अभी हल्की बरसात का दौर जारी है। प्रदेश की दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सूजस आवाज राजस्थान। नमस्कार।